हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान का एक और मॉडल पेपर लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, इससे पहले भी हम सामाजिक विज्ञान और बाकी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करा चुके हैं। आप उन्हें भी ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, और वीडियो को कंप्लीट देखना जिससे कि आपको अभी इम्पोर्टेंट पर्सन मिस ना कर दो, और कल के पेपर में सभी पर्सन आप कर सको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ लेना। और समय समय और पूर्णांक दिए गए हैं। पूर्णांक 80 नंबर, समय है 2.5 घंटे, तो आप इन्हें भी अच्छे से देख लो। आपका बोर्ड का पेपर इसी पैटर्न पर होगा। चलिए शुरू करते हैं। खंड ए। खंड ए में 6 प्रश्न होते हैं जो सभी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपको चार में से एक सिलेक्ट करके उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है, सोम कमला अम्बा परियोजना स्थित है। इसमें आपको एक सिलेक्ट करके लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस आयु का आवश्यक स्वतंत्र रूप से बैंक में खाता खोल सकता है। इसमें भी आपको चार में से एक सिलेक्ट करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 1 से 6 तक के प्रश्न 1 नंबर के हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किस राजपूत शासक ने 1734 ईस्वी में हुल्डा सम्मेलन का आयोजन किया था। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा मामला फौजदारी कानून से संबंधित है। 3, 4, 5, 6 में भी आपको चार में से एक सिलेक्ट करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है, ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी। अब वो शुरू होता है खंड ब। खंड ए खत्म हुआ। खंड ब में 7 से 13 नंबर तक के प्रश्न आते हैं जो सभी दो दो नंबर के होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, समझाइए। प्रश्न नंबर 8 है, पर्यटन क्या है। विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने कौन कौन सा कार्यक्रम तैयार किया है। 1+1 2 नंबर का है, जिसमें पहला भाग 1 नंबर का, दूसरा भाग 1 नंबर का है। प्रश्न नंबर 9 है, समावेशी विकास और सतत विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, नीति निदेशक तत्व किसे कहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। प्रश्न नंबर 11 है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सम्मिलित कीजिए। स्तंभ ए में है 1 नंबर पर सुखोई 30, नंबर 2 पर INS विक्रमादित्य। स्तंभ बी में है विमान वाहक युद्धपोत, 1 नंबर है। ये 2 नंबर है लड़ाकू विमान। नंबर 12 पर है वी औद्योगीकरण क्या होता है, संक्षेप में समझाइए। प्रश्न नंबर 13 है, गुप्त काल के एक प्रमुख खगोल शास्त्री व उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ये 1+1 2 नंबर का है, जिसमें 1 नंबर प्रमुख खगोल शास्त्री का है और दूसरा नंबर उनकी रचना का है। अब शुरू होता है खंड स। खंड स में आते हैं 14 से 22 तक के प्रश्न, तो ये देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, बालुका स्तूप से क्या अभिप्राय है, समझाइए। प्रश्न नंबर 15 है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की मरुगंगा मानी जाती है, क्यों। प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों के विकास में आने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये सभी 14 से 22 तक के प्रश्न
चार चार नंबरों के हैं। प्रश्न नंबर 17 है, परिवार के परंपरागत कार्यों में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है, समझाइए। प्रश्न नंबर 18 है, जनहित याचिका क्या है, इसके लाभ भी बताइए। प्रश्न नंबर 18 2+2 चार नंबर का है, जिसमें दो नंबर जनहित याचिका क्या है इसके हैं और दो नंबर इसके लाभ के हैं। प्रश्न नंबर 19 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा राजस्थानी रियासतों में अभिभावक परिषद का गठन क्यों किया गया। प्रश्न नंबर 20 है, सिंधी विस्थापितों द्वारा देश और समाज को आगे बढ़ाने में दिए गए योगदान का संक्षेप में वर्णन करो। प्रश्न नंबर 21 है, अस्वस्थता किस प्रकार देश को नुकसान पहुंचाती है, यातायात के कानूनों का क्या उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 21 2+2 चार नंबर का है, जिसमें पहले भाग दो नंबर का, दूसरा भाग दो नंबर का है। अब है प्रश्न नंबर 22, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। नंबर 1 है हैदराबाद, नंबर 2 है माही बजाज सागर परियोजना, नंबर 3 अरब सागर, नंबर 4 है बनारस। ये भारत का मानचित्र है, इसमें इन चारों को आपको दर्शाना है। ये सभी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे उसी प्रकार एक एक नंबर के हैं। इसी दर पर आपका एक बोर्ड में मानचित्र आएगा, उसमें भी चार ऑप्शन होंगे, उनको तो मानचित्र में आपको दर्शाना होगा। आप इनकी मानचित्र आपको बोर्ड में दिया जाएगा, उसमें आपको दर्शाना है। अब खंड दे प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान के पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें अथवा प्रश्न है, भारत को अनेकताओं में एकता वाला देश क्यों कहा जाता है, विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था क्यों की गई है, संविधान में वर्णित किन्हीं चार मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करो। अथवा में है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता स्वीप का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 25 है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, इसके राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद के समाज सुधार के प्रयासों का वर्णन कीजिए। 23, 24 और 25 नंबर प्रश्न 8-8 नंबर के हैं और तीनों में ही अथवा में प्रश्न है। आपकी इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड जो भी राय हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अच्छे से तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक।